यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। सरकार की ओर से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते हरिद्वार निवासी वैभव कुमार भी यूक्रेन से सकुशल भारत लौट आए। वैभव यूक्रेन के खार्किव राज्य में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं खार्किव से हरिद्वार लौटने पर परिजनों के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने वैभव का फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही हरिद्वार के ADM वीर सिंह बुधियाल ने खुद जाकर वैभव का स्वागत किया। आपको बता दें कि स्वागत के दौरान वैभव ने अपनी आपबीती बयां की और बताया कि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच सब लोग डर के साए में रहने को मजबूर थे। खार्किव से भारत लौटने के दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं बेटे के सकुशल घर वापसी पर वैभव के पिता काफी उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं हरिद्वार के ADM वीर सिंह बुधियाल ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हरिद्वार के सभी छात्रों के सकुशल वापसी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आंकड़ों के अनुसार 43 में से 26 छात्र सकुशल हरिद्वार लौट आए हैं। ऐसे में एक छात्र यूक्रेन में फंसा है और सुरक्षित है। वहीं उन्होंने बताया कि 16 छात्र सीमावर्ती देशों में हैं। ऐसे में जल्दी सभी छात्रों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, वहाँ से निकलने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब कि जैसे देखते हैं कि पहले तो ट्रेन पकड़ना और जैसे वहाँ की युद्ध के हालात की स्थिति थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी से देखते हुए कि ऐसा था कि मतलब कहीं से भी कुछ स्ट्रगल सकती थी और बहुत खतरा था। अभी घर आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि फैमिली भी रिसीव करने आई है काफ़ी? नहीं, मतलब घर आके अच्छा लग रहा है। और अगर देखा जाए तो मतलब कि घर आकर थोड़ा सेफ महसूस हो रहा है। मतलब कि घर का वातावरण तो खराब रहेगा जब बच्चे ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो घर में तो क्या स्थिति रहेगी आदमी की, ना खाने का ना पीने का, बस बच्चे का लगा रहता है बच्चे क्या स्थिति होगी। सरकार की तो सारी भूमिका ही है, बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग तो घर में बैठे हैं, सरकार सारा काम कर रही है बच्चों को निकालने का मेहनत से जो है। और बड़ी खुशी है कि सरकार ने बच्चे निकाले, भारत सरकार ने, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हरिद्वार जिले के जो 43 में से 26 आगे हैं और 16 लड़के भी हमारे जो बॉर्डर कंट्री में हैं और यूक्रेन में भी एक लड़का भी है। किस तरह से इसका? सेफ है, उससे बात हुई है, उनके पिताजी उनका भाई से उनका बात हुई लगातार, और व्हाट्सएप में भी मैसेज आया हुआ सेफ है, शायद आज निकलेगा बॉर्डर के लिए।